नमस्कार, मैं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। परसों शाम को केंद्र मंत्री रामविलास पासवान जी का निधन हो गया। आपको बता दें कि कल बीती रात को उनका पार्थिव शरीर वायुसेना के जहाज से पटना लाया गया है। उसके बाद जो तमाम कवायतें हैं वो की जा रही हैं। अभी हम खड़े हैं, आपको दिखा दें कि उनके पार्थिव का जो घर है जो पटना में श्रीकृष्णापुरी के पास है, हम वहाँ खड़े हैं और वहाँ जितने भी लोगों का हुजूम है वो बहुत ज़्यादा है। लोग काफ़ी हताहत हैं, काफ़ी शोक में हैं। सब ये सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया। और आपको बता दें कि थोड़ी देर में यहाँ से जो इंडियन आर्मी की जो गाड़ी लगी हुई है उससे इनका पार्थिव शरीर दीघा घाट ले जाया जाएगा, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हताहत हो गए हैं, अब वीडियो के माध्यम से ये देखें कि कुछ लोग काफ़ी रो रहे हैं, कुछ लोग काफ़ी चिंता में हैं, बहुत लोग शोक में डूबे हैं। उनका कहना है कि दूसरे अम्बेडकर जो थे वो रामविलास पासवान जी थे। हमारे भगवान हमारे बीच से अब हम लोग को कौन देखेगा। हम लोग जाते थे बड़े साहब को, हम लोग को बुला के बैठाते थे, एक अदना सा गरीब घर के आदमी को पंजियार जी कह के बुलाते थे। अरे बाप रे, अरे बाप, अरे साहब, मुगल साहिबा चंदौली से आए हैं और हम लोग जनशक्ति पार्टी से करीब 25-30 साल से हम लोग का संबंध है। जन जन के नेता नहीं थे, वो सारे लोगों के नेता थे। एक डॉक्टर अम्बेडकर को हम लोगों ने पढ़ा था प्रैक्टिकल में, श्री राम विलास पासवान को सेकंड अम्बेडकर के रूप में हम लोगों ने देखा। इन्होंने कहा था कि हम इस घर में चले हैं, जिस घर में दिया हमको जलाना है, सदियों से अंधेरा है, हम लोग उसके साक्षात एग्जाम्पल है। हम लोग के घर में उन्होंने चिराग जलाने का काम किया, हम लोग को घर में दूर दूर तक जीने खाने का सहारा नहीं था, आज बहुत जीने खाने का सहारा दे करके गए और खुद चले गए। हम लोग बहुत मरवाहत है और ऐसा नेता हम लोगों ने कभी नहीं देखा। पार्टी, पार्टी जो हरीफ गुरु एक लुंगी पढ़ा हुआ पहना हुआ भी आदमी उनके पास जाता था और उनको लगता था कि हमारे पटना का, हाजीपुर का या कहीं का है, गरीब है, इसको जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उसको सुन करके उसके लिए काम करते थे। आज गेट पर से लोग भगा दिए जाते हैं। रामविलास पासवान अपने पैरलर बैठाते थे लोगों को, गरीब से गरीब लोगों को बैठाते थे और उनकी सुनते थे। संबंध नहीं भी रखता था फिर भी अगर कोई काम होता था उनके पास जाता था तो जरूर मदद करते थे। अरे बाप रे, बिहार सरकार उनके जाने के बाद वो कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, अपना गुजारा कैसे करेंगे, वो मसीहा थे सबके। बाकी खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे नेशन न्यूज़।